हेलो गाइस, वेलकम टू यू और यूट्यूब चैनल AI वैकेंसी न्यूज़। साथियों, एक और वैकेंसी रिलीज हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसीज़ आपकी रहेगी ओवरसीज मैन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु सरकार का ये उपक्रम है, इसके तहत ये वैकेंसी है। और तमिलनाडु सरकार का ये उपक्रम कहाँ पर है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। क्या वैकेंसी रहेगी, क्या इस वैकेंसी की डिटेल रहेगी, तो उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको वैकेंसी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वैकेंसी की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब साथियों, बात करते हैं वैकेंसीज़ की। देखिए, वैकेंसीज़ कहाँ पर रहेगी, ये वैकेंसीज रहेगी यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में सरकारी अस्पतालों में तत्कालीन रिक्ति के लिए भर्ती है, यानी यह आपकी नियमित भर्ती है, संविदा आधारित भर्ती नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार का ये उपक्रम है, लेकिन विदेशों में ये सेवा देता है। तो आपकी जो लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन, ये तो रहेगी यूनाइटेड किंगडम में, UK में आपकी वैकेंसी रहेगी, ये वहाँ पर आपको नौकरी करनी होगी। लेकिन इसमें आपकी पदों की संख्या आपकी रहेगी 500 पोस्ट। देखिए, 500 पोस्ट पे बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। वेतन की बात करें आपकी, तो वेतन इसमें आपका 2 लाख से 2.5 लाख रुपए वेतन रहेगा। देखिए, स्टाफ नर्स के लिए विदेशों में 2 लाख से 2.5 लाख का वेतन, और हमारे यहाँ 25,000 रुपये अगर आप नौकरी करते थे यहाँ पर मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपये वेतन दिया जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी भर्ती है। आगे अपन बात करते हैं, इसमें देखिए दोनों यानी लिंग की बात करें तो मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन करते हैं कर सकते हैं। आयु सीमा भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, 22 से 55 वर्ष रखी गई है। हमारे यहाँ भर्तियों में 21 से 42 वर्ष तक होता है, यहाँ पर 22 से 55 वर्ष है। नौकरी की अगर हम श्रेणी के तो नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवर की बात कर रहे हैं, यानी वही स्टाफ नर्स और की बात कर रहे हैं। आवेदन की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन आपका साक्षात्कार के द्वारा होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता वही नर्सिंग में BSc नर्सिंग डिप्लोमा और नर्सिंग में और अन्य में नर्सिंग में MSc की हुई होनी चाहिए। अन्य लाभ की बात करें तो हवाई टिकट आपके निःशुल्क रहेगी आने जाने के लिए, और वार्षिक छुट्टियाँ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और आगे अपन बात करें उम्मीदवारों के लिए, देखिए मुफ्त एयर टिकट आपकी मुफ्त रहेगी, और 3 महीने का भुगतान आगमन पर आवास, यानी अगर आप आते हैं घर पे 3 महीने तक आपको भुगतान कर दिया जाएगा छुट्टियों में। 35 दिन का वार्षिक छुट्टी आप ले सकते हैं इसमें, तो यही है। बाकी कम से कम 1 वर्ष के अनुभव वाली नर्सों और IESTS या IET में योग्य अंक प्राप्त वाली नर्सों से अनुरोध है कि वे अपने जो भी पासपोर्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी है वह GMAIL ID दी गई है इस पर भेज दें। और इसके बारे में आप अधिक जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यह है वैकेंसीज, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ORCS मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूर्ण रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के साथ।